को कि आप इसका संज्ञान लीजिए, कॉग्निजेंस लीजिए, और इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग का इन्वेस्टिगेशन का काम तो पुलिस का है। पुलिस उसमें देखे कि अपराध क्या बन रहा है और उस अपराध के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई करे जो दोषी है। अगर ये काम नहीं हुआ तो दीपावली के बाद कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर करके इस मामले की लड़ाई लड़ेगी, उस महिला के पक्ष में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आज पूरे राजनीतिक तंत्र पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, कैसे कोई भी महिला अपने घर की दहलीज को लांघ करके और राजनीतिक दल के दफ्तर में घुसेगी। ये बहुत घिनौना कृत्य हुआ है और जिस प्रकार से इसको ढकने का, लीपने का, पोतने का प्रयास चल रहा है बीजेपी में, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि महानगर बीजेपी के अध्यक्ष ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो इस पूरे प्रकरण को पार्टी के स्टेट लीडरशिप के संज्ञान में सितंबर के महीने में ही ले आए थे। तो नवंबर आ गया साहब, 2 महीने के अंदर बीजेपी के अंदर इसकी क्या विवेचना नहीं हुई? उस लड़की को दर दर भटकना पड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने इसको, ये इससे दर्शाता है कि कितना सम्मान ये महिलाओं के मामले में लेते हैं। उसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था इनको, जैसे ही ये प्रकाश में आया था, जैसे ही ये बात, ये बकौल विनय गोयल जो महानगर अध्यक्ष बीजेपी के हैं उनके अनुसार ये बात है जो आज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं कि वो बात कह रहे हैं कि हम सितंबर के महीने में ही स्टेट लीडरशिप के संज्ञान में सारा मामला ले आए थे। यानी कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें संलिप्त है और 2 महीने से दोषी को बचाने का प्रयास चल रहा था। उससे कोई ना कोई नेगोशिएशन भी चल रहा होगा, उससे कोई ना कोई सौदेबाजी या उसको कोई ना कोई दबाव उसमें डालने का प्रयास बीजेपी कर रही होगी। ऐसा इस पूरे जो बयान है महानगर बीजेपी के अध्यक्ष का, उससे ये प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट साहब को तत्काल उनको उनके पद से बर्खास्त करना चाहिए, तत्काल उनको पुलिस को इस मामले का संज्ञान लेने के लिए कहना चाहिए, और अगर कोई अपराध बनता है तो उस अपराध के अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वो निर्दोष होंगे तो विवेचना में सामने आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट तक क्लियर है कि अगर कोई महिला इस प्रकार का आरोप लगा रही है तो उसमें उसका कॉग्निजेंस पुलिस को लेना पड़ेगा, उसका संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन पता नहीं कहाँ यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर मशीन भी चलेगी, कहाँ यहाँ के तमाम जो पुलिस के आला अफसर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो चले गए।